आई नो पिछले 6 दिनों से मैंने कोई भी वीडियोस नहीं बनाया है और बनाने के बाद भैंस की टांग मुझे याद आ गया कि मैंने माइक ही कनेक्ट नहीं किया है। खैर वीडियो तो बनाना पड़ेगा ही, एक बार नहीं बार बार रिकॉर्ड करूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। पिछले 10 महीनों से मैं लॉन्ग वीडियोस पे काम कर रहा हूँ और शायद ही मैंने 6 दिन का लंबा ब्रेक कभी लिया है, क्योंकि समझ रहे हो साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल चल रहा था और ऑनेस्टली मैं बचपन से लेकर आज तक इस फेस्टिवल के टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं होने दिया, क्योंकि अपनों के साथ एक बंगाली होकर दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट नहीं किया तो क्या किया भाई साहब। वैसे आप सबको बीते हुए नवरात्रि और दशहरा का हार्दिक शुभकामनाएं, आई होप आप सब मजे में होंगे। खैर पर्सनल डिस्कशन थोड़ा सा बोरिंग लगती है, वैसे तुम मेरी वीडियोस देखते हो तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में पर्सनल डिस्कशन तो बनता है ना, है ना। खैर मैं क्या ही बात कर रहा हूँ, कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है और मैं पर्सनल डिस्कशन की बात कर रहा हूँ, मैं बेवकूफ इंसान। वैसे छोड़ो सब कुछ, क्या तेल लेने दुख दर्द पीड़ा कष्ट वाले जिंदगी से हटकर हम डुबकी लगाते हैं हमारे देसी सिनेमा कल्चर में, जिसके लिए हमने ये चैनल शुरू किया था लेट स्टार्ट, जिसमें सबसे पहले तो भाई शाहरुख खान की डंकी मूवी का नया पोस्टर आ चुका है, वो भी ऑफिशियली। तो देखा जाए तो 1 साल पहले एक अनाउंसमेंट वीडियो के बाद ये पोस्टर डंकी मूवी रिलेटेड फर्स्ट प्रोमोशनल मटेरियल है और राजकुमार हिरानी जैसे मास्टरपीस डायरेक्टर की तरफ से ये पोस्टर काफी ज्यादा इंप्रेसिव नजर आ रहा है, जिसमें शाहरुख खान एज सोल्जर रेगिस्तान के अंदर पैदल यात्रा करते हुए दिख रहे हैं, हाथ में बैग जैकेट, कंधों में बैग और दूसरे हाथ में पानी का बॉटल, जो कि बता कर जाता है कि इस मूवी में शाहरुख खान का जर्नी काफी ज्यादा इमोशनल होने वाला है। इसी के साथ पोस्टर के ऊपर बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है ए सोल्जर जर्नी टू कीप ए प्रॉमिस, मतलब एक वादे को निभाने के लिए एक सैनिक पैदल यात्रा कर रहा है, जो कि पोस्टर के अकॉर्डिंग इंडिया से यूनाइटेड किंगडम तक। और ऑनेस्टली एक छोटा सा लाइन रीड करने के बाद ही पता चल जाता है कि ये राजकुमार हिरानी भाई साहब का मूवी है और उनका क्लास है। पहले तो उन्होंने गली के गुंडे को MBBS बना दिया, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को जिंदगी का रियलिटी दिखाया, फिर PK के द्वारा भगवान के ऊपर हमारा विश्वास और उसका मतलब समझाया और तब जाके उन्होंने एक सुपरस्टार का अनजानी जिंदगी दिखाया और अब वो डंकी मूवी के द्वारा एक सोल्जर का स्ट्रगल कहानी दिखाने वाले हैं। तो भाई रोने के लिए तैयार हो जाओ, साथ में तो भाई हमारे एसर के आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और उसी आग में पानी डाल रहा है सलार मूवी के मेकर्स, जहां रॉकी भाई के जन्मदिन पर KGF 2 का यूनिवर्सल टीजर रिलीज किया गया था, जिसके व्यूज का रिकॉर्ड एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर से भी ज्यादा है और उसी यूनिवर्स का नेक्स्ट मूवी जिसमें प्रभास जैसे स्टार काम कर रहे हैं उनके जन्मदिन पर ये पोस्टर रिलीज किया गया, जो कि KGF यूनिवर्स के फैंस के साथ सलार मूवी के फैंस को डिसअपॉइंट करने में काफी है। भाई 3-4 महीने निकल चुका है टीजर रिलीज हुए और कुछ नया माल लाओ तो सही, स्टील फोटोज या पोस्टर से काम नहीं बनने वाला, हम ऑडियंस को इससे भी कुछ बढ़कर माल मांगता है। माना कि मूवी रिलीज होने में अभी 2 महीने बाकी है, पर सामने शाहरुख खान की डंकी है तो अच्छा खासा प्रमोशन नहीं करोगे तो 1000 करोड़ तो हाथ से गया। भाई इस मूवी के साथ मूवी के मेकर्स को लेकर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, भाई मैं बता रहा हूँ अभी से अपना एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करना चालू कर दो, नहीं तो बाद में बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। और मैं बता रहा हूँ इस मूवी में रॉकी भाई के कैमियो के बारे में भूल जाओ, रॉकी भाई दिख गए तो मजा लूट लेना और वो नहीं दिखे तब भी मजा लूट लेना। पर फिर भी मूवी के डायरेक्टर के ऊपर अपन का पूरा भरोसा है, ये डायरेक्टर चाहे तो कुछ भी बवाल कर सकता है, जो चीज थलापति विजय की लियो ऑलरेडी कर चुका है। विश्वास नहीं है तो विकिपीडिया चेक कर लो, क्योंकि लियो मूवी ने ऑलरेडी 5 दिनों में 419 करोड़ छाप दिया है और सिर्फ इंडिया से 264 करोड़ छाप दिया है और तमिल इंडस्ट्री के ऑल टाइम हाईएस्ट ओपनिंग मूवी 2.0 के 95 करोड़ को क्रॉस करके इस मूवी ने 146 करोड़ का ओपनिंग लिया है, जो चीज सपनों में भी सोचना इम्पॉसिबल था। थलापति विजय सर सलूट है आपको। भैंस की डंग विक्रम मूवी ने इसका आधा ओपनिंग लिया था, आधा। खैर हिंदी से लियो ने सिर्फ 15 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि ऑब्वियस सी बात है भाई, सिंगल स्क्रीन्स में इससे ज्यादा कलेक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। कनकराज भाई साहब अपने मूवी को हिंदी में रिलीज ना करके 1000 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया। खैर पैसा वो कमाए हमारा क्या जाता है। वैसे लियो का ओवरऑल बॉक्स ऑफिस एनालिसिस बहुत जल्द आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो एनालिसिस चल ही रहा है तो सलमान खान के साथ अरिजीत सिंह का कोलैबोरेशन जो हुआ है उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। लगभग 10 साल बाद फिर से अरिजीत सिंह का आवाज सलमान खान के मुंह से सुनकर उतना तो मजा नहीं आ रहा, पर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। किसका सेटिस्फेक्शन? सलमान खान एक्स अरिजीत सिंह का
कोलैबोरेशन का सेटिस्फेक्शन कि भाई फाइनली ये मामला निपट चुका है। और तुम पत्थर के नीचे रहते हो तो मैं तुम्हें कुछ भी कहना नहीं चाहता, यूट्यूब के पुराने वीडियोस देख लो, अरिजीत सिंह और सलमान खान के लफड़े के बारे में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे इस गाने का नाम है लेके प्रभु का नाम, पर हो रहा है टाइगर श्री का बदनाम, क्योंकि काफी लोगों को गाना पसंद नहीं आ रहा है। किसी को लिरिक्स पे प्रॉब्लम है तो किसी को प्रीतम के म्यूजिक पे, जो कि मैं भी कहूंगा इस बार प्रीतम और अरिजीत का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिसेंट टाइप का था। मुझे अभी भी टाइगर जिंदा है का वो सॉन्ग याद आ रहा है, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। छोड़ो खैर सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, पर गाना अभी भी नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा है। तो अब ये सी बात है, लोगों को गाना पसंद आए या ना आए, लोग देख जरूर रहे हैं। और तुम भी आने वाले वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखो, और जा ही रहे तो एक लाइक भी ठोक देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।